हेलो डियर स्टूडेंट, जैसा कि हमने अभी तक नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड को खत्म कर लिया था, नाउ अब हम स्टार्ट करेंगे बच्चों नया चैप्टर पॉलीमर। अब पॉलीमर एक्चुअली में होता क्या है उसको समझते हैं बच्चों। देखते हैं एक एक करके। यहाँ पर पॉलीमर देखो क्या होता है बच्चों। पॉलीमर समझने के लिए काफी काफी आपका लॉजिकल चैप्टर नहीं है बच्चों, यह आपका काफी सिंपल चैप्टर है, तो इसको धीरे धीरे समझेंगे बड़े ध्यान से। देखो पॉलीमर एक्चुअली में आपका मोनोमर यूनिट, मोनोमर यूनिट्स मतलब कितने मोनोमर, एन मोनोमर यूनिट्स जब आपके कंबाइन होंगे तो आपके क्या बना देंगे बच्चों, पॉलीमर कंपाउंड बना देंगे। क्या बना देंगे, पॉलीमर। मोनोमर को कंबाइन करके आपका क्या बनेगा बेटा, पॉलीमर। ठीक है, मोनोमर को कंबाइन करके आपका क्या बनेगा बच्चों, पॉलीमर। ये क्या होता है बच्चों, लो मॉलिक्यूलर मास कंटेनिंग होता है। इसका मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, लो मॉलिक्यूलर मास होता है, और इसका क्या होता है बच्चों, हाई मॉलिक्यूलर मास, हाई मॉलिक्यूलर मास। इसका क्या होगा बच्चों, हाई मॉलिक्यूलर मास। यहां पर आपका लो मॉलिक्यूलर मास होगा तो यहां पर आपका हाई मॉलिक्यूलर मास होगा। तो हम सीधा बोल सकते हैं कि एज एग्जाम्पल अगर मैं देखना चाहूं तो यहां पर आपका देखो पॉलीथीन का एग्जाम्पल देखते हैं। किसका, पॉलीथीन। पहला एग्जाम्पल हम देखते हैं बच्चों यहाँ पर पॉलीथीन का, एक एक करके देखते हैं बच्चों एग्जाम्पल। यहाँ पर एग्जाम्पल आपको समझ में आएगा एग्जाम्पल के थ्रू। पहला एग्जाम्पल हमारा क्या है बच्चों, पॉलीथीन। अब पॉलीथीन का एग्जाम्पल क्या होगा बच्चों, ध्यान से समझना बच्चों, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये N है, N टाइप के CH2 डबल बॉन्ड आपस में कंबाइन होके आपका क्या बना देंगे बच्चों, यहाँ पर CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, ये इस टाइप का N टाइप का, और ये चेन आपकी कंटिन्यूस चलती रहेगी। या फिर इसकी जगह में इसको क्या लिख सकता हूँ बच्चों, इसकी जगह में इसको लिख सकता हूँ CH2 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 CH2, मतलब इस तरीके से यहाँ पर मैंने लिख दिया CH2। अब क्या होगा बच्चों, इस तरीके से मैंने लिख दिया, और यहाँ पर ये वाली यूनिट आप देख सकते हैं कि बार बार आपके रिपीट होती जा रही है, तो इसीलिए हम इसको क्या बोल देंगे, पॉलीथीन। अब देखो पॉलीथीन बोल देंगे, ये आपका कौन सा मोनोमर यूनिट है बच्चों, इथीन। इसका मोनोमर वो यूनिट क्या है बच्चों, इथीन, और यह यहां पर आपका क्या बन गया बच्चों, ये आपका पॉलीथीन। इस तरीके से बनता है बच्चों, इस तरीके से आपका बनता है। थोड़ा सा ध्यान से समझो, काफी इजी टॉपिक है। अब देखो लोअर मॉलिक्यूलर मास और हाई मॉलिक्यूलर मास, इसका मॉलिक्यूलर मास बच्चों आपका 20,000 के अप्रोक्स होता है। कितना, 20,000 के अप्रोक्स, मतलब हाई मॉलिक्यूलर मतलब मोनोमर, इसका जो मॉलिक्यूलर मास होगा वो कितना होगा बच्चों, काफी कम होगा केवल और केवल इसका, लेकिन इसका कंबाइन होने के बाद ये आपका बहुत ज्यादा मॉलिक्यूलर मास में कन्वर्ट होता है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों, नायलोन 6,6। नायलोन 6,6 की एक खास बात है कि आप लोग इसकी हिस्ट्री पढ़ोगे तो इसमें आपको समझ में आएगा कि नायलोन 6,6 का नाम नायलोन 6,6 क्यों पड़ा। NY आपका आया बच्चों कहां से, न्यूयॉर्क से। NY आपका कहां से आया, न्यूयॉर्क से, और आपका एलोन कहां से आया, ठीक है, इस तरीके से आया। अब इसकी खास बात क्या है, ध्यान से समझना कि यह आपका न्यूयॉर्क और लंदन दोनों जगह सेम टाइम में आपका डेवलप हुआ था, तो इसीलिए इसका नाम क्या बोल दिया बच्चों, नायलोन 6,6। अब यहां पर समझेंगे नायलोन 6,6 होता क्या है। देखो नायलोन 6,6 आपका एडीपी के एसिड बच्चों, ये सिंपल एक एग्जांपल है जिससे आप डील करोगे आगे जाके। एडीपी के एसिड प्लस हेक्सा मिथाइलिन डाइअमाइन, हेक्सामिथाइलिन डाइअमाइन कंपाउंड आपस में जुड़ के क्या बना लेते हैं बच्चों, नायलोन 6,6। क्या बना लेते हैं, नायलोन 6,6। ये आपका कोई, ये आपका होता है, ठीक है। अब देखो यहां पर कैसे होता है समझेंगे। एडीपी के एसिड का फॉर्मूला जैसा कि आप लोग जानते होंगे बच्चों, CH2 ये आपका 4 times, नाउ COOH ये आपका, ठीक है, इस टाइप का एडीपी के एसिड का फॉर्मूला होता है। Now, इसको अगर मैं कन्वर्ट करूंगा हेक्सामिथाइलिन डाइअमाइन, मतलब ये आपका CH2, यहां पर CH2 कितना, 6 times, यहां पर NH2। अब देखो क्या होगा बच्चों, क्या होगा,
कि यहां पर यहां से मेरे देखो H2 को इस तरफ बनाता हूं मैं, ताकि आपको समझ में आ जाए। H2 को इस तरफ बनाया, अब यहां से आपका क्या होगा बच्चों, ध्यान से समझना, यहां से OH बाहर निकलेगा और यहां से आपका कौन बाहर निकलेगा, यहां से आपका H बाहर निकलेगा, यहां से आपका OH बाहर निकलेगा, यहां से आपका H बाहर निकलेगा। तो देखो क्या बनेगा बच्चों, स्मॉल मॉलिक्यूल का लॉस होगा, एक इस तरफ से भी OH बाहर निकलेगा इसका मतलब, और इस तरफ से भी आपका कौन बाहर निकलेगा, H बाहर निकलेगा, ठीक है, स्मॉल मॉलिक्यूल का लॉस होगा। तो यहां पर क्या बनेगा बच्चों, ध्यान से समझना, यहां पर मैं अगर इसका वो पॉलीमर यूनिट बनाना चाहूंगा तो ये आपका सी डबल बॉन्ड हो, यहां पर ओ एच बाहर निकाल दिया, यहां पर सी एच टू कितने टाइम्स बेटा, 4 टाइम्स, और यहां पर क्या हो जाएगा सी डबल बॉन्ड हो, अब ये किससे अटैच होगा, एनएच से, ठीक है, और यहां पर आपका क्या हो जाएगा सी एच टू सिक्स हो जाएगा। नाउ ये आपका इस तरीके से बन जाएगा, यहां पर आपका एनएच, यहां पर आपका एनएच, देखो इस तरीके से आपका कंपाउंड आपका फॉर्म हो जाएगा बच्चों, इस तरीके से आपका ये कंपाउंड आपका क्या हो जाएगा बच्चों, फॉर्म हो जाएगा। तो इसी को हम क्या बोलेंगे, नायलोन 6-6, इसी को हम क्या बोलेंगे बच्चों, नायलोन 6-6। देखो यहां पर 6 कार्बन है, यहां पर नंबर ऑफ कार्बन कितने बच्चों, यहां पर नंबर ऑफ कार्बन 6 है, और यहां पर भी आपका नंबर ऑफ कार्बन कितने बच्चों, यहां पर भी आपका नंबर ऑफ कार्बन कितने बच्चों, 6 है, दोनों जगह आपके नंबर ऑफ कार्बन कितने बच्चों, 6-6 है, तो इसीलिए इसका नाम हमने क्या लिख दिया बच्चों, नायलॉन 6-6। अब ये तो हमने बताया कि पॉलीमर का कुछ एग्जांपल बताया, अब इसमें आपका स्मॉल मॉलिक्यूल का लॉस हुआ, इसमें आपका किसी भी टाइप के मॉलिक्यूल का लॉस नहीं हुआ। देखो मोनोमर यूनिट से पॉलीमर यूनिट में कन्वर्ट होने के लिए, ठीक है, मोनोमर यूनिट को पॉलीमर यूनिट में कन्वर्ट करना आपका क्या कहलाता है बच्चों, पॉलीमराइज स्टेप, पॉलीमराइजेशन। अब देखो मोनोमर यूनिट को अगर मैं पॉलीमर यूनिट में कन्वर्ट कर दूं तो वो क्या हो जाएगा बच्चों, पॉलीमराइजेशन। अब पॉलीमराइजेशन आपका होता क्या है, पॉलीमराइजेशन आपके दो टाइप के होते हैं, ठीक है, हम लिखो यहां पर देखते बच्चों, देर आर टू डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलीमराइजेशन, देर आर टू डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलीमराइजेशन, दो डिफरेंट टाइप के होते हैं पॉलीमराइजेशन आपके, ठीक है, एक होता है बच्चों आपका एडिशन पॉलीमराइजेशन का मतलब क्या है, एडिशन ऑफ डिफरेंट डिफरेंट मोनोमर, एडिशन ऑफ डिफरेंट डिफरेंट मोनोमर, एडिशन ऑफ डिफरेंट डिफरेंट मोनोमर मोनोमर विदाउट विदाउट लॉसिंग स्मॉल मॉलिक्यूल, स्मॉल मॉलिक्यूल। अब देखो बच्चों ध्यान से समझेंगे, अगर मैंने यहां पर पॉलीथीन को देखूंगा तो पॉलीथीन के एग्जांपल पे किसी भी टाइप के मॉलिक्यूल का लॉस हुआ है, नहीं हुआ है, नहीं हुआ है ना, तो मॉलिक्यूल में आपके पॉलीथीन के मॉलिक्यूल में अगर कोई भी डिफरेंट किसी भी आपके स्मॉल मॉलिक्यूल का लॉस नहीं हुआ है तो ये आपका किसका एग्जांपल होगा, एडिशन का। तो अगर मैं एग्जांपल देखना चाहूं तो इसका क्या हो जाएगा बच्चों, ध्यान से समझेंगे, इसका एग्जांपल हो जाएगा पॉलीथीन, पॉलीथीन बोल सकते हैं, या फिर यहां पर हम बोल सकते हैं क्या, टेफलॉन, टेफलॉन इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा बच्चों, ओरलॉन, ओरलॉन, ये सारे के सारे आपके एग्जाम्पल है एडिशन पोलीमराइजेशन के, ठीक है। अब यहां पर ध्यान से समझेंगे बच्चों, अब मैं एक लिखता हूं कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, अब कंडेंसेशन वर्ड का मतलब तो आप लोग जानते हो बच्चों अच्छे से, कंडेंसेशन वर्ड का मतलब आप लोग अच्छे से जानते हो, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, कंडेंसेशन वर्ड का मतलब बच्चों आप लोग अच्छे से जानते हो, कंडेंसेशन वर्ड का मतलब क्या होता है बच्चों,
दो डिफरेंट डिफरेंट मोनोमर यूनिट आपस में कंबाइन होंगे और स्मॉल मॉलिक्यूल का लॉल हाउस होगा, ठीक है। एडिशन ऑफ मोनोमर मोनोमर यूनिट्स विद लूजिंग ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल लाइक H2O, NH3, HCl एक्सेट्रा। इस टाइप के अगर मॉलिक्यूल का लॉस होता है तो वो आपके कंडेंसेशन में, ध्यान से देखेंगे तो नायलॉन 6-6 में बच्चों यहां पर H2O मॉलिक्यूल का लॉस हो रहा था, NH2O मॉलिक्यूल का। जब यहां पर H2O मॉलिक्यूल का लॉस हो रहा था तो ये किसका एग्जांपल है बच्चों, यहां पर आपके कंडेंसेशन, यहां पर आपके ये कंडेंसेशन का एग्जांपल है। तो एग्जांपल में मैं क्या लिख सकता हूं, यहां पर वो बोल सकता हूं बच्चों में क्या, नायलॉन 6-6, ठीक है। एक में बोल सकता हूं बच्चों यहां पर नायलॉन 2-6, ठीक है। एक में बोल सकता हूं यहां पर और भी एग्जांपल हम बोल सकते हैं एक्सेट्रा, इतना ही काफी है, ठीक है। एक्सेट्रा बैकेलाइट भी इसका एग्जांपल होता है। तो इस टाइप के आपके पॉलीमराइजेशन आपके स्टेप होते हैं, ठीक है। अब ध्यान से समझना बच्चों, कभी कभी आपके क्या होते हैं कि दो डिफरेंट मोनोमर कंबाइन होते हैं और कभी कभी आपके सिमिलर मोनोमर कंबाइन होते हैं, ठीक है। कभी कभी आपके दो डिफरेंट मोनोमर वो यूनिट कंबाइन होंगे और कभी कभी आपके दो सिमिलर मोनोमर वो यूनिट कंबाइन होंगे। तो इसके हिसाब से भी हमने इसको दो पार्ट में डिवाइड किया है। देखो एक और हम समझते हैं यहां पर कि एक होता है होमोपॉलीमर, एक होता है कोपॉलीमर, ठीक है। पॉलीमर के भी आपके दो टाइप होते हैं, देयर आर टू डिफरेंट टाइप ऑफ मोनो देयर आर टू डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलीमर। पॉलीमर के आपके दो टाइप होते हैं बच्चों, ये आपका पॉलीमर का टाइप है, ये आपके पॉलीमराइजेशन के टाइप है, ठीक है। ध्यान से समझना, यहां पर दो डिफरेंट टाइप के पॉलीमर होते हैं, ठीक है। एक होता है बच्चों आपका कौन सा, होमोपॉलीमर। पहले आप लोग है ना बेसिक डेफिनेशन समझ लो, फिर उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा होमोपॉलीमर। अब होमोपॉलीमर आपका होता क्या है बच्चों, वो पॉलीमर जो आपके सिमिलर टाइप के मोनोमर यूनिट से फॉर्म हुए हैं, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं, पॉलीमर्स विच इज फॉर्म्ड बाय सिमिलर टाइप ऑफ मोनोमर। अगर आपने पॉलीथीन का एग्जाम्पल देखा होगा तो पॉलीथीन के एग्जाम्पल में केवल और केवल इथीन का ही था, केवल और केवल आपका क्या था, इथीन था। तो वो आपके क्या हो जाएंगे बच्चों, कॉल्ड होमोपॉलीमर। उसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, होमोपॉलीमर बोलेंगे। मतलब इथीन के एग्जाम्पल में, पॉलीथीन के एग्जाम्पल में केवल और केवल आपका क्या था बच्चों, इथीन था। तो इसीलिए वहां पर एक ही टाइप का मोनोमर यूनिट आपका कंबाइन हुआ, उसको हम क्या बोलेंगे, होमोपॉलीमर। नेक्स्ट अब हम समझते हैं बच्चों यहां पर कोपॉलीमर। तो हमारा कोपॉलीमर क्या होता है, कोपॉलीमर हमारा क्या होता है बच्चों, पॉलीमर विच इज फॉर्म बाय अ टू डिफरेंट टाइप ऑफ मोनोमर यूनिट्स, ठीक है। अब देखो दो अलग अलग आपके अगर मोनोमर यूनिट अगर आपके कंबाइन होंगे तो वो क्या हो जाएंगे बच्चों, आपके कोपॉलीमर, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान से समझना, जैसे नायलॉन 6-6, देखो नायलॉन 6-6 में मैंने एडीपी एसिड लिया था, एक मैंने क्या लिया था, हेक्सामिथाइलिन डायमाइन। देखो हेक्सामिथाइलिन डायमाइन लिया था, एक मैंने एडीपी एसिड लिया था। अब देखो एडीपी एसिड आपका क्या है, डिफरेंट है किससे, हेक्सामिथाइलिन डायमाइन से। तो यहां पर दो डिफरेंट टाइप के आपने मोनोमर यूनिट्स को यूज किए हैं, तो ये आपका किसका एग्जांपल हो जाएगा बच्चों, कोपॉलीमर का। तो हम क्या बोल सकते हैं, पॉलीमर्स विच इज फॉर्म्ड बाय टू डिफरेंट मोनोमर्स यूनिट
कॉल्ड कोपोलीमर, उसको हम क्या बोलेंगे, कोपोलीमर बोलेंगे। ठीक है, ये आपका होता है बच्चों। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, इसका अगर मैं एग्जांपल लिखना चाहूं तो इसका एग्जांपल हो जाएगा बच्चों क्या, पॉलीथीन। ठीक है, इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा बच्चों, टेफ्लॉन। ठीक है, एटसेट्रा। और अगर मैं इसका एग्जांपल लिखना चाहूं तो इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा बच्चों, इसका एग्जांपल हम क्या बोल सकते हैं, यहां पर एग्जांपल में हम यहां पर बोल सकते हैं नायलॉन 66, नायलॉन 66, ये इसका एग्जांपल हो जाएगा। तो और भी देखते हैं बच्चों, और कितने टाइप के पॉलीमर होंगे और क्या क्या होंगे। तो अब हम समझते हैं बच्चों क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स। ठीक है, ये तो आपका था बेसिक, ये मैंने आपको यहाँ पर बेसिक बताया, तो बेसिक तो आपको समझ में आ गया, बेसिक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम समझते हैं क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो देखते हैं बच्चों क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स। अब देखो क्लासिफिकेशन में पहला क्लासिफिकेशन है सोर्स बेस्ड ऑन सोर्स, पहला क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन सोर्स। सोर्स के ऊपर कौन सा क्लासिफिकेशन है देख लेते हैं बच्चों। सोर्स के हिसाब से बच्चों तीन टाइप का क्लासिफिकेशन आपके हुए। सबसे पहला आपका क्या होगा बच्चों, ध्यान से समझना, नेचुरल पॉलीमर। अब देखो नेचुरल पॉलीमर क्या होगा बच्चों, जो आपके नेचर से ऑप्टेन होगा, विच इज ऑप्टेन बाय नेचर्स। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, पॉलीमर विच इज ऑप्टेन फ्रॉम, पॉलीमर विच इज ऑप्टेन बाय नेचर, जिसको हमने नेचर से हमको मिलता है। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, आप लोग जानते हो आपके बॉडी में ही है बच्चों, स्टार्च हो गया, प्रोटीन हो गया। तो यहां पर क्या हो जाएगा बच्चों, आपका स्टार्च प्रोटीन। ठीक है, और हम क्या बोल सकते हैं, नेचुरल रबर भी आपका इसी का एग्जाम्पल होगा। ठीक है, एटसेट्रा। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों, नेचुरल पॉलीमर। इसी तरीके से आपका एक और पॉलीमर होता है बच्चों, कौन सा होता है बच्चों, ध्यान से समझेंगे, एक होता है नेचुरल, एक होगा बच्चों सेमी सिंथेटिक, बी सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। मतलब क्या होता है, जो आपको नेचर से अकर होगा उसको आप अपने लैब में एक्सपेरिमेंट करोगे, तो लैब में एक्सपेरिमेंट करके क्या होगा बच्चों, जो आपका पॉलीमर बनेगा वो आपका क्या होगा, सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। देखो क्या होता है, पॉलीमर विच इज ऑप्टेन ऑप्टेन बाय नेचर, देन इट इज ट्रीटेड इन लेबोरेटरी लैब, देन लैब टू 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 एनहांस टू एनहांस द टू टू एनहांस द केमिकल प्रॉपर्टीज एंड यूज। अब देखो एनहांस द केमिकल प्रॉपर्टी एंड यूज, इसका मतलब सब सिंपल हम बोल सकते हैं कि नेचुरल रबर आपका कैसा होता है बच्चों, इतना सॉफ्ट होता है कि हम उसको टायर में यूज नहीं कर सकते। क्या हम उसको टायर में यूज कर सकते हैं, नहीं कर सकते। अब उसी नेचुरल रबर को अगर मैंने यहां पर सेम अगर मैंने लैब में ले जाके उसकी प्रॉपर्टीज में चेंजेस कर दिए, मतलब उसका जो आपका ये यहां पर जो उसका टेंसाइल स्ट्रेंथ को बढ़ा दिया, या फिर उसके हार्डनेस को इंक्रीज कर दिया,
तो यही सब काम हम कहाँ करते बच्चों, यही सब काम हम नेचर से जो पॉलीमर ऑप्टेन हुआ उसमें अगर हमने कुछ कुछ मतलब चेंजेस क्रिएट कर दिए तो वो क्या जाएगा बच्चों, सेमी सिंथेटिक। अब सेमी सिंथेटिक का एग्जांपल क्या होगा, सेल्यूलोज, सेल्यूलोज बोल सकते हैं, या फिर यहां पर नेचुरल रबर की जगह एक और बोल सकते हैं सिंथेटिक रबर, सिंथेटिक रबर हो जाएगा बच्चों इसका एग्जांपल। एक में क्या बोल सकते हो, ब्यूना एस, ब्यूनाएन, ये सारे इसी के एग्जांपल है बच्चों, काफी सिंपल है। अगर आप लोग एक बार ध्यान से देखोगे तो आप लोगों को आई होप कि समझ में आ जाएगा। अगला जो आपका क्लासिफिकेशन है वो क्या है बच्चों, ध्यान से समझेंगे। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है सिंथेटिक रबर, तो सिंथेटिक रबर, सॉरी सॉरी, सिंथेटिक पॉलीमर। अब देखो सिंथेटिक पॉलीमर क्या होगा, विच इज मेड अप बाय मैन, मतलब जो आपके किसके थ्रू मेड अप हो बच्चों, मेड अप बाय ह्यूमेंस, जो आपके ह्यूमेंस के थ्रू मेड अप हो, मतलब सिंपल हम बोल सकते हैं जो हम लोग मेड अप करें, ठीक है, या फिर हम इसको क्या बोलते हैं, मैन मेड पॉलीमर भी बोल सकते हैं बच्चों इसको, हम मैन मेड पॉलीमर भी बोल सकते हैं, जो कि हम लोग है ना प्रिपेयर करें इन लेबोरेटरी, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल क्या होगा बच्चों, इसका एग्जाम्पल हम सिंपली क्या बोल सकते हैं, इसका एग्जाम्पल हमारा क्या होगा, इसका एग्जाम्पल होगा बच्चों पॉलीथीन, पॉलीथीन हम लोगों ने मेड अप किया है, ठीक है। और हम क्या बोल सकते हैं यहां पर, टेफलॉन, टेफलॉन, ठीक है, और भी इसके एग्जाम्पल होंगे एक्सेट्रा, ठीक है। अब देखो इस टाइप से आपके तीन टाइप के हो गए, तो इसमें आपके जनरली कुछ नहीं पूछा जाएगा, यहाँ पर थियोरिटिकल पार्ट है स्टार्ट में, फिर एंड में आपके केवल और केवल एग्जाम्पल है, आपसे केवल और केवल मोनोमर यूनिट याद करने के लिए पूछा जाएगा, तो अभी तो फिलहाल इसमें से आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा। सेकेंड क्लासिफिकेशन अब हम देखते हैं बच्चों बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, सेकेंड क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर देखते हैं बच्चों, सेकेंड क्लासिफिकेशन हमारा क्या है बच्चों, बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर पे किस तरीके से क्लासिफाई होगा, देखो एक होता है बच्चों आपका फर्स्ट फर्स्ट लीनियर पॉलीमर, लीनियर पॉलीमर, लीनियर पॉलीमर आपका क्या होगा, सबसे इंपॉर्टेंट है लीनियर पॉलीमर आपका क्या होगा, जिसमें आपका मोनोमर यूनिट आपकी किस तरीके से कंबाइन हो बच्चों, लीनियर मतलब इस तरीके से आपके मोनोमर यूनिट आपस में कंबाइन हो, ठीक है, इस तरीके से आपके मोनोमर यूनिट आपके कंबाइन होके आगे की ओर मूव करे, ठीक है। तो यहां पर हम क्या बोल सकते हैं, इन इन दिस टाइप ऑफ पॉलीमर इन विच पॉलीमर पॉलीमर इन विच मोनोमर यूनिट्स कंबाइन, मोनोमर यूनिट्स आर कंबाइंड टुगेदर लीनियरली, आपका कैसा, एक सिंपल चेन में, एक चेन में, या फिर हम इसको क्या बोलेंगे, चेन पॉलीमर, इसको हम क्या बोल सकते हैं, चेन पॉलीमर भी बोल सकते हैं, मतलब चेन में है ना, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, चेन पॉलीमर भी इसको हम बोल सकते हैं, ठीक है। अब इसके अलावा एक और होता है बच्चों यहाँ पर ब्रांच्ड पॉलीमर, ठीक है। तो अब हम समझते हैं बच्चों अगला एग्जाम्पल अब हम समझते हैं बच्चों यहाँ पर ब्रांच्ड पॉलीमर, आपका ब्रांच्ड पॉलीमर आपका होता क्या है, देखते ध्यान से, बी ब्रांच्ड पॉलीमर। आप देखो ब्रांच्ड पॉलीमर आपका क्या होगा बच्चों, ध्यान से समझेंगे, देखो ब्रांच्ड पॉलीमर में क्या होगा, जो आपके लीनियरली कंबाइन होंगे उसी पॉलीमर के आजू बाजू आपके क्या हो जाएंगे बच्चों, ब्रांच क्रिएट होंगे, ब्रांचेज होंगे, ठीक है। तो आपका क्या होगा बच्चों, इसको हम क्या बोलेंगे, ब्रांच पॉलीमर, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, जिस पॉलीमर के अंदर आपका क्या हो जाए बच्चों, पॉलीमर विच इज
पॉलीमर इन विच मोनोमर यूनिट्स कंबाइंड टुगेदर लिनियरली, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, बट मोनोमर यूनिट्स हैविंग सम ब्रांचेस ऑल्सो, ठीक है, मोनोमर यूनिट्स हैविंग सम ब्रांचेस ऑल्सो, ऐसा बोल सकते हैं। तो हम क्या बोलेंगे, पॉलीमर 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 इन विच मोनोमर यूनिट यूनिट्स आर आर कंबाइंड लीनियरली लीनियरली एंड एंड मोनोमर यूनिट्स हैविंग सम ब्रांच हैविंग हैविंग सम हैविंग सम स्मॉल ब्रांच स्मॉल ब्रांच, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा बच्चों, आपका आपका हो जाएगा ब्रांच्ड पॉलीमर। अब इसका एग्जांपल क्या होगा बच्चों, इसका एग्जांपल हम सिंपल क्या बोलेंगे, इसका एग्जांपल हम बोल सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, इसका हम एग्जांपल कुछ भी बोल सकते हैं, स्टायरीन स्टायरीन इसका एग्जांपल हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से आपका एग्जांपल होगा। स्टायरीन के बारे में मैं आपको बताऊंगा और यहाँ पर आपको बहुत सारे ऐसे आईयूपीएसी नेम है जो आपको याद हो जाएंगे बच्चों, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखना। सी क्रॉस्ड लिंक पॉलीमर क्रॉस्ड लिंक्ड पॉलीमर, अब देखो क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर आपका होता क्या बच्चों, ध्यान से समझेंगे, देखो ये आपका इस तरीके से पॉलीमर आपका लीनियरली अटैच होगा, ठीक है, लीनियरली तो अटैच होगा, लेकिन यहाँ पर क्रॉस लिंक आपका कुछ ना कुछ क्रिएट होगा जो कि आपस में मॉलिक्यूल को एक 3D डायमेंशन नेटवर्क प्रोवाइड करेगा। तो मोनोमर यूनिट्स क्या बोल सकते हैं, मोनोमर यूनिट्स आर कंबाइंड टुगेदर कंबाइंड टुगेदर टुगेदर इन 3D नेटवर्क। अब देखो बच्चों ये जो होगा ये आपका क्या होगा, क्रॉस लिंक्ड बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड होगा, क्रॉस लिंक्ड बॉन्ड, ध्यान से समझना, क्रॉस लिंक्ड बॉन्ड होगा ये आपका, क्या होगा बच्चों, क्रॉस लिंक्ड बॉन्ड होगा। क्रॉस लिंक्ड बॉन्ड में आपका क्या हो सकता है बच्चों, ये आपका कोवेलेंट बॉन्ड भी हो सकता है। अब देखो यहाँ पर कई कई बुकों में दिया हुआ है कोवेलेंट बॉन्ड, अब देखो कोवेलेंट बॉन्ड हो सकता है, तो कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू आपका ये एक लीनियर चेन दूसरे लीनियर चेन से अटैच है, तीसरा लीनियर चेन चौथे से, इस तरीके से आपका अटैच है। यह आपका किस में कन्वर्ट होता है बच्चों, 3D नेटवर्क में, जहां तक समझ में आ गया होगा, आई होप कि काफी इजी है। नाउ इसी क्रॉस लिंक की वजह से इसकी इसका जो आपका एक स्पेसिफिक कैरेक्टर क्रिएट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, हार्ड एंड ब्रिटल कैरेक्टर, हार्ड एंड ब्रिटल कैरेक्टर। अगर आपने ध्यान से देखा होगा बेकेलाइट, जो हमारा स्विच बोर्ड है, इसका एग्जाम्पल है बेकेलाइट, एग्जाम्पल बता देता हूँ पहले मैं बेकेलाइट। अब देखो जो हमारा स्विच बोर्ड है बच्चों, ध्यान से समझना, जो हमारा स्विच बोर्ड है, स्विच बोर्ड हमारा क्या है, स्विच बोर्ड हमारा क्या है, स्विच बोर्ड के किसी भी स्विच को अगर मैं निकालूंगा, अगर मैं उसको तोड़ने की कोशिश करूंगा या फिर मैं उसको हीट दूंगा, दोनों कंबाइन समझ लेते हैं, अगर मैं उसको हीट दूंगा तो क्या वो मेल्ट होगा, वो आपका मेल्ट कभी नहीं हो सकता, वो आपका ब्रेक डाउन हो जाएगा, मतलब टूट जाएगा। इसी तरीके से अगर मैंने स्विच बोर्ड पर थोड़ा सा भी फोर्स लगाया तो वो आपका टूटेगा, ठीक है, वो आपका इतना हार्ड होता है, तो इसके लिए हम उसको क्या बोलते हैं, हार्ड एंड ब्रिटल। और हार्ड एंड ब्रिटल कैरेक्टर आने का रीजन उसका क्या है बच्चों, ये जो एक्स्ट्रा बॉन्डेड एक्स्ट्रा बॉन्ड जो क्रिएट हुए ना, वो आपका इसको हार्ड एंड ब्रिटल करने की कैरेक्टर को रखता है। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। तो अब हम चलते हैं बच्चों नेक्स्ट टॉपिक पे, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन पे, देखते बच्चों एक एक कर। तो बच्चों अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्लासिफिकेशन, तो हमारा नेक्स्ट क्लासिफिकेशन क्या है बच्चों, यहाँ पर ध्यान से समझना, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन हमारा क्या होगा, थर्ड क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब देखो सबसे पहला इसमें क्या आएगा बच्चों, इलास्टोमर, सबसे पहला इलास्टोमर,
अब इलास्ट्रोमर में इंट्रामोलिकुलर फोर्स आपके क्या होते हैं बच्चों, वीक होते हैं। इलास्ट्रोमर हैविंग अ इंट्रामोलिकुलर फोर्स, इलास्ट्रोमर आपके क्या रखते हैं बच्चों, वीक इंट्रामोलिकुलर फोर्स रखेंगे। जब आपका वीक इंट्रामोलिकुलर फोर्स होगा तभी तो हम इसको स्ट्रेच कर पाते हैं। हम इसको स्ट्रेच कब करेंगे, जब 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 आपका वीक बॉन्ड होगा। वीक बॉन्ड होने की वजह से हमने इसको स्ट्रेच किया, फिर जैसे ही बॉन्ड छोड़ा तो ये आपके क्रॉस लिंक्ड, मतलब क्रॉस लिंक डेवलप होने की वजह से यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिर से ये अपने आप में पुराने पुराने शेप में फिर से आपका चेंज हो जाएगा। तो इसका एक, इसको हम क्या बोलते हैं, एक टाइप का रबड़ भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे बच्चों, इट हैविंग, इट इज कंटेन, या फिर सीधा लिख दे इट कंटेन वीक इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सो दैट वी कैन अलोंग अलोंग सो वी कैन स्ट्रेच स्ट्रेच एंड स्ट्रेच ऑन अप्लाइंग फोर्स, मतलब जैसे ही मैं फोर्स को अप्लाई करूंगा तो ये आपका स्ट्रेच हो जाएगा। एंड रिमूवल ऑफ फोर्स, एंड रिमूवल ऑफ फोर्स फोर्स इट कैन गेट्स इट्स ओरिजिनल शेप, इट कैन गेट इट्स ओरिजिनल शेप। ये अपने ओरिजिनल शेप को फिर से अटेन कर लेगा, जब ये आपके इसके ओरिजिनल शेप को अटेन कर लेगा। और ओरिजिनल शेप किसकी वजह से अटेन करेगा बच्चों, ड्यू टू द क्रॉस लिंक्ड बॉन्ड की वजह से। तो यहां पर आपका वीक इंट्रामोलिकुलर फोर्स होता है इस टाइप का होता है। ठीक है बच्चों, नाउ बच्चों सेकंड अब हम समझते हैं यहाँ पर, सेकंड अब हम समझते हैं बच्चों यहाँ पर एक और अर्थ होता है बच्चों, फाइबर्स। फाइबर्स आप जानते हो बच्चों, फाइबर्स फाइबर्स क्या होता है बच्चों, फाइबर्स को अगर मैं अलोंग करूंगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, टूट जाएगा। तो हम क्या बोल सकते हैं, फाइबर कंटेन हाई टेंसाइल फोर्स एंड, ठीक है, एंड स्ट्रॉन्ग इंट्रामोलिकुलर फोर्स। ठीक है, फाइबर्स कंटेन्स हाई टेंसाइल फोर्स, फाइबर्स कंटेन स्ट्रॉन्ग मॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, स्ट्रॉन्ग इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अट्रैक्शन सो टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ फाइबर्स इज, सो टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ फाइबर इज सो हाई, फाइबर का टेंसाइल स्ट्रेंथ आपका क्या हो जाता है बच्चों, बहुत ज्यादा हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहां पर पूछते हैं, इस पे स्ट्रॉन्ग इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। अब जो आपके दो क्लासिफिकेशन है वो मैं आपको ऐसे बताता हूं, थर्मोप्लास्टिक और इसको मैं आपको इसमें चेंजेस करके बताता हूं, थर्मोसेटिक। आप देखो थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग में क्या डिफरेंस है। थर्मोप्लास्टिक में क्या होगा बच्चों, थर्मोप्लास्टिक का जो इंट्रामोलिकुलर फोर्स होगा, देखो यहां पर इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपका क्या होगा, थर्मोप्लास्टिक का आपका किन के इन बिटवीन होगा, फाइबर और आपका किसके यहां पर इलास्टोमर, इलास्टोमर दोनों के इन बिटवीन होगा।
ठीक है, लेकिन थर्मोसेटिंग का क्या होता है बच्चों? हाई इंट्रामोलिकुलर फोर्स, हाई इंट्रा मोलिकुलर फोर्स। अब इसमें इसमें तो आपने इंट्रामोलिकुलर फोर्स तो बता ही दिया, लेकिन इसमें सबसे बेसिक डिफरेंस क्या होता है कि जैसे ही मैं इसको हीट दूंगा, हीट पर ये क्या हो जाएगा बच्चों? माउल्ड हो जाएगा, माउल्ड आपका हो जाएगा, मतलब हीट पर ये आपका मेल्ट आपका हो जाएगा। तो क्या बोल सकते हैं? इट कैन मेल्ट ऑन अप्लाइंग हीटिंग, हीटिंग को अप्लाई करने के बाद ये आपका मेल्ट हो जाएगा। एंड आफ्टर कूलिंग इट बिकेम सॉलिड। ये आपका क्या बन जाएगा बच्चों? आपका सॉलिड बन जाएगा, मतलब अगर मैं जैसे कूल करूंगा तो ये आपका हार्ड एंड टफ बन जाएगा, सॉलिड बन जाएगा। तो यहाँ हार्ड आ जाएगा, यहाँ पर हार्ड भी बोल सकते हैं। ठीक है, यहां पर क्या होगा बच्चों? ये थर्मो सेटिंग में क्या होगा? हीट से कोई दिक्कत नहीं है, ये आपका वो हीट का क्या है बच्चों? हीट इंसुलेटर है। हीट का क्या है बच्चों? इंसुलेटर है, ये आपका हीट में नहीं होता। इसका सबसे सिंपल एग्जांपल हम देख सकते हैं बच्चों, बेकेलाइट। अब देखो बेकेलाइट के केस में क्या होता है बच्चों? हीट देने पर भी कुछ नहीं होता, ना ये आपका मेल्ट होगा, ना ये आपका क्या होगा बच्चों? फिर से सॉलिड बनेगा। ये सीधा हीट देने पर ये आपका पूरी तरीके से डिफॉर्म हो जाएगा, टूट जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हीट का इंसुलेटर होता है। ठीक है, हीट का आपका इंसुलेटर होता है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर देख सकते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलीमर, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट डिफरेंट ऑन द बेसिस ऑफ इंट्रा मॉलिकुलर फोर्स ऑफ एट्रैक्शन। तो इस तरीके से हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट था वो ये था। ठीक है, इसको थोड़ा सा समझ लेना। यहाँ से आपके क्वेश्चन मैक्सिमम पूछे जाते हैं, यहाँ पर आपको मैक्सिमम यहीं से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, और काफी इजी कंसेप्ट है। अगर एक दो बार अगर आप देख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, और इसमें याद रखने वाली कोई इतनी बड़ी बातें नहीं है बच्चों। एक दो बार अगर आप पढ़ोगे तो आपको याद भी हो जाएगा, इसमें कोई इतना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब हम लास्ट में चलते हैं बच्चों, यहाँ पर लास्ट क्लासिफिकेशन। अब देखो क्लासिफिकेशन का जो आपका जो मेन 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 क्लासिफिकेशन था वो मैंने करा दिया। अब ले अब जो अगला क्लासिफिकेशन है वो मैंने आपको कई हद तक पहले पढ़ा दिया है कि टाइप्स ऑफ पॉलीमराइजेशन, ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ पॉलीमराइजेशन। टाइप्स ऑफ पॉलीमराइजेशन के हिसाब से बच्चों एक एडिशन होता है, एक आपका कंडेंसेशन होता है। वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, एडिशन पॉलीमराइजेशन आपका क्या होगा और कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन आपका क्या होगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से यहाँ पर हमने टाइप्स को समझ लिया है, किस किस टाइप के आपके पॉलीमर होंगे। ठीक है, अब हम समझते हैं बच्चों यहाँ पर कि एडिशन पॉलीमराइजेशन किस तरीके से आपका होगा। ठीक है, तो देख लेते हैं बच्चों यहाँ पर एडिशन पॉलीमराइजेशन। एडिशन पॉलीमराइजेशन में बच्चों आपके तीन टाइप के मैकेनिज्म वर्क करेंगे। यहाँ पर भी मैकेनिज्म आ गया बच्चों, देखो यहाँ पर आपका तीन टाइप के मैकेनिज्म। फर्स्ट आपका कौन सा होगा? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के लिए आपका क्या होता है बच्चों? आपका इनिशिएटर कौन होगा? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के लिए आप लोगों का इनिशिएटर कौन होगा बच्चों? इनिशिएटर आपका पेरोक्साइड होगा। ठीक है, इनिशिएटर आपका क्या होगा बच्चों? पेरोक्साइड। इनिशिएटर आपका क्या होगा? बेंजोइल। बेंजोइल हो गया, हो जाएगा बेंजोइल। पेरोक्साइड होगा कुछ भी होगा, लेकिन आपका पेरोक्साइड होगा। ये आपका इस तरीके से आपका इनिशिएटर का वर्क करेगा, या फिर हम वो बोल सकते हैं यहाँ पर MPCBA भी आपका इनिशिएटर की तरह वर्क कर सकता है, क्योंकि इसमें भी पेरोक्साइड लिंकेज होता है। तो अभी मैं आपका सिंपल यहाँ पर लिखता हूँ R2O2। ठीक है, R2O2 इसको लेके देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले ये आपके तीन स्टेप में होगी। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म हमेशा तीन स्टेप में होती है। सबसे पहले चेन इनिशिएशन स्टेप, चेन को इनिशिएट करना है। देखते हैं यहाँ पर फर्स्ट स्टेप, चेन इनिशिएशन स्टेप। चेन इनिशिएट हम कैसे करेंगे? जैसे मैं एज एग्जांपल इथीन का लेता हूँ बच्चों, आपको समझ में आ जाएगा उससे। देखो यहाँ पर मैंने इथीन का एग्जांपल लिया, CH2 डबल बॉन्ड CH2।
देखो सबसे पहले हम यहाँ पर एक पेरोक्साइड लेते हैं। देखो ये मैंने पेरोक्साइड ले लिया, ये मैंने पेरोक्साइड ले चुका हूँ, ठीक है, बेंजोइल पेरोक्साइड मैंने ले लिया। अब क्या करेंगे बच्चों, इसको जैसे ही मैं हिट दूंगा तो ये वाला इधर, ये वाला बॉन्ड इधर, होमो होमोलाइटिंग डिसोसिएशन होगा बॉन्ड का। बॉन्ड का जब आपका होमोलाइटिंग डिसोसिएशन होगा तो यहाँ पर टू मॉलिक्यूल ये बन जाएंगे। नाउ नेक्स्ट स्टेप में ये वाला बॉन्ड यहाँ, ये वाला बॉन्ड यहाँ, तो यहाँ पर आपका क्या बन जाएगा बच्चों, टू मॉलिक्यूल ऑफ C6H5 फ्री रेडिकल ये बन जाएगा, और साथ में आपका क्या बन जाएगा बच्चों, CO2। इस तरीके से आपका प्रिपेयर आपका हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा बच्चों, जो आपका C6H5 फ्री रेडिकल है वो आपका क्या होगा बच्चों, CH2 के साथ रिएक्ट करेगा, इथीन के साथ, ये इधर ये इधर, तो यहाँ पर आपका क्या बनेगा बच्चों, CH2 डॉट, सिंगल बॉन्ड CH2 डॉट, अब ये आपका यहाँ अटैच होगा तो आपका क्या बन जाएगा बच्चों, C6H5 CH2 CH2, यहाँ पर डॉट आ जाएगा, और ये आपका क्या होगा बच्चों, हाईली अनस्टेबल, हाईली अनस्टेबल होगा, ठीक है। जैसे ही आपका ये हाईली अनस्टेबल होगा, नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं चेन चेन प्रोपोगेशन स्टेप, चेन प्रोपोगेशन स्टेप, चेन प्रोपोगेशन स्टेप। अब चेन प्रोपोगेशन स्टेप हम किस तरीके से करेंगे बच्चों, चेन आपका कंटिन्यूअसली इंक्रीज होता जाएगा, चेन आपका कंटिन्यूअसली क्या होता जाएगा बच्चों, बढ़ता जाएगा। जैसे C6H5 लिखता हूँ मैं, C6H5 CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 डॉट, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये इधर ये इधर, तो इस तरीके से आपका चेन कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है बच्चों, बढ़ता जा रहा है। देखो यहाँ पर CH2 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 डॉट, ठीक है, ये वाली वो यूनिट आपकी कंटिन्यूअसली इंक्रीज होती जा रही है। अगर मैं इसका आप मैं दूसरे पॉलीथीन दूसरे इथिन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन कराऊंगा तो आपका फिर से क्या हो जाएगा बच्चों, ये इस तरीके से चेन आपका इनिशिएट आपका होता जाएगा, चेन आपका चेन के जो लेंथ होगी वो कंटिन्यूस क्या होती जाएगी बच्चों, बढ़ती जाएगी। तो इस तरीके से आपका चेन प्रोपोगेशन स्टेप होता है, ठीक है, इस तरीके से आपका चेन प्रोपोगेशन स्टेप होता है। ये वाला आपका इंक्रीज इंक्रीज है ना होता जा रहा है। अगर मैं इस स्टेप को लिखना चाहूँ तो इस स्टेप को मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, C6H5 CH2 CH2, यहाँ पर ट्वाइस, यहाँ पर CH2 CH2 फ्री रेडिकल, इस तरीके से भी मैंने इसको लिख दिया। देखो यहाँ पर 1 था, यहाँ पर 2 हो गया, कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है। नाउ लास्ट स्टेप में क्या होगा बच्चों, चेन टर्मिनेशन स्टेप। चेन टर्मिनेशन स्टेप आपका दो टाइप से आपका होता है, ठीक है। थर्ड जो स्टेप है बच्चों, यहाँ पर सेकेंड स्टेप आपका जो थर्ड स्टेप है चेन टर्मिनेशन स्टेप, वो आपके टू टाइप्स को फॉलो करता है, चेन टर्मिनेशन स्टेप फॉलोस टू पाथ। फर्स्ट वन व्हाट, फर्स्ट वन आपका एडिशन, सेकंड वन व्हाट आपका डिसप्रोपोर्शनेशन, ठीक है। तो ये आपका एडिशन को फॉलो करेगा, एडिशन पाथवे, और एक आपका किसको फॉलो करेगा, आपका डिसप्रोपोर्शनेशन स्नेशन पाथवे, दो टाइप के पाथवे को फॉलो करेगा, एक आपका एडिशन पाथवे और आपका एक डिसप्रोपोर्शनेशन पाथवे। तो एडिशन पाथवे में क्या होगा, ये आपका दो इसके दो मॉलिक्यूल बेटा आपके आपस में कनेक्ट हो जाएंगे, सिंपली आपस में कनेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो ये आपका यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ टू, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा एन, ठीक है, एन लिखूंगा क्योंकि आप पॉलीमर की बात कर रहे हो, ठीक है। नाउ इसके दोनों आपके कनेक्ट होंगे तो यहाँ पर आपका CH2 CH2, ये आपका एन बन जाएगा, और यहाँ पर CH2, यहाँ पर एन था तो यहाँ पर आपका एन, एन आपका अभी फिलहाल कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है। ये आपका कनेक्ट होके एन, मतलब ये आपका पॉलीमर यूनिट को बता रहा है, ठीक है, ये आपके कंटिन्यूसली रिपीटिंग स्टेप को बता रहा है। तो वैसे तो यहाँ पर आपका 2N होना चाहिए, वैसे तो यहाँ पर आपका क्या होना चाहिए बच्चों, 2N, ठीक है। देखो N, अब देखो ये आपका कनेक्ट होगा इससे, तो यहाँ पर लिख सकते हैं CH2 CH2, आपको मैं ऐसे लिख देता हूँ ताकि आपको आई होप कि समझ में आ जाए, हेल्प मिल जाए समझने में, C6H5, ठीक है। इस तरीके से आपका दोनों, मतलब दोनों का फ्री रेडिकल आपका जुड़ जाएगा, ठीक है।
अब डिस्प्रोपोर्शनेशन पाथवे में क्या होगा बच्चों, ध्यान से समझना, क्या होगा, यहां पर दो मॉलिक्यूल है, दो मॉलिक्यूल में बनाता हूं CH2 CH2 ट्वाइस CH2 एन लिख देता हूं CH2 CH2 फ्री रेडिकल, एक CH2 CH2 यहां पर एन फ्री रेडिकल, यहां पर एन, यहां पर CH2 CH2 फ्री रेडिकल। नाउ सेकेंड स्टेप में अब क्या होगा बच्चों, यहां पर आप देखो ध्यान से समझना, डिस्प्रोपोर्शनेशन मतलब आपका डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट बनेंगे, यहां पर आपका वुड्स में मैंने बताया था डिस्प्रोपोर्शनेशन, ये यहां चला जाएगा, यहां से आपका फ्री रेडिकली डिसोसिएट होगा और ये आपका यहां चला जाएगा, तो आपका एक मॉलिक्यूल कैसा बनेगा बच्चों, C6H5 CH2 CH2 एन CH2 CH3, और एक मॉलिक्यूल आपका कैसा बनेगा बच्चों, C6H5 CH2 CH2 एन CH डबल बॉन्ड CH2। तो इस तरीके से आपके दो पाथवे को फॉलो करेगा, डिस्प्रोपोर्शनेशन पाथवे एंड एडिशन पाथवे। अब इसमें मैं आपको शॉर्टकट बताऊंगा कि पॉलीमर का स्ट्रक्चर आपको कैसे लिखना है, ठीक है। पॉलीमर का स्ट्रक्चर आपको लिखने का एक सिंपल तरीका है, आपको मैं एक यहां पर ट्रिक बताता हूँ, जब मैं एग्जाम्पल लिखाऊंगा तो आपसे पूछूंगा, सिंगल बॉन्ड को कन्वर्ट कर दो किसमें, डबल बॉन्ड में, और डबल बॉन्ड को कन्वर्ट कर दो किसमें, सिंगल बॉन्ड में, आपका अपने आप पॉलीमर बन जाएगा, आपका अपने आप पॉलीमर बन जाएगा। अगर आप सिंगल बॉन्ड को किसमें कन्वर्ट कर दो, डबल बॉन्ड में, और डबल बॉन्ड को किसमें कन्वर्ट कर दो, सिंगल बॉन्ड में, डबल बॉन्ड को आप किसमें कन्वर्ट कर दो, सिंगल बॉन्ड में, तो आपका अपने आप पॉलीमर बन जाएगा, ठीक है। इसके बारे में मैं आपको आगे जब मैं एग्जाम्पल कराऊंगा 20 से 22, तो आपको सारा समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से मैं पॉलीमर बना बना रहा हूँ। बच्चों आपको एनसीईआरटी इसकी पढ़नी है, एनसीईआरटी आप कंटिन्यूअस इसमें पढ़ते रहिए, ठीक है। एनसीईआरटी में केवल और केवल आपके फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को दिया हुआ है, वैसे इसके जनरली और भी होते हैं, एक होता है एनायनिक, एक होता है कैटायनिक मैकेनिज्म, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा, लेकिन फिलहाल आप अभी इतना अच्छे से समझ ले लीजिए, ठीक है बच्चों। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा, तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं बच्चों।